भाई सेल खत्म हो गई तो क्या हो गया, 2024 अभी भी बाकी है दोस्त। काफी तगड़े तगड़े फोन लॉन्च होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। सभी फोन्स डिस्कस करूंगा बजट के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं भाई अंडर 20,000 जो फोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस महीने। सबसे पहले आएगा मोटोरोला की तरफ से Moto G75। भाई स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 का चिपसेट यहाँ देखने मिल जाएगा। फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है, 6.8 इंच की बड़ी स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। अप टू 6 GB ऑफ रैम और 256 GB की स्टोरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फोन के अंदर। प्राइसिंग भाई इसकी अंडर 20,000 रहने वाली है, काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। एक बार आता है तो इसको एक्सप्लोर वगैरह कराना चाहते हो तो नीचे कमेंट में अपना इंटरेस्ट शेयर कर देना। इसके अलावा भाई अंडर 20,000 आपको देखने मिल जाएगा सैमसंग की तरफ से Samsung A16। Exynos 1330 का चिपसेट यहाँ देखने मिल जाएगा आपको। 6.7 इंच की 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने मिलेगी यहाँ पर। लेकिन भाई सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में सैमसंग यहाँ पर अच्छा प्रॉमिस कर रहा है। 6 साल की अपडेट्स की बात चल रही है। आप लोगों को भाई ओवरऑल कैसा लग रहा है ये फोन नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ। बात अगर बजट बढ़ा के अंडर 25,000 देखें तो भाई अपना इंडिया का लावा ब्रांड का एक नया फोन आने वाला है। लावा अग्नि 3 एक्सपेक्टेड है, लॉन्च होगा। डायमेंसिटी 7300 का चिपसेट यहाँ देखने मिल जाएगा आपको। 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी भाई। 8 GB की रैम है, 5000 mAh की बैटरी है। हिस्टोरिकली इस साल हमने देखा कि लावा के फोन्स ने भी काफी अच्छा प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिया है, तो आगे आने वाले टाइम में देखना रहेगा कि लावा अग्नि 3 किस तरीके से निकल के आता है। बट अंडर 25,000 ये फोन आने वाला है तो काफी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में ये शायद थोड़ा अच्छा माहौल बना दे। अंडर 30,000 की अगर बात करें तो यहाँ पर दो अच्छे ऑप्शंस निकल के आने वाले हैं इन महीनों में। सबसे पहले बात करते हैं भाई रेडमी की 14 सीरीज निकल के आने वाली है, Redmi Note 14 सीरीज। ये टाइम भाई काफ़ी बढ़िया रहता है स्पेशली Redmi वाले ब्रांड के लिए, क्योंकि इंडिया में फेस्टिव सीजन चल रहा है तो नया फ़ोन आएगा तो सेल्स वगैरह थोड़ा इम्पैक्ट हो सकते हैं। और इस बारी एक्सपेक्टेड है कि भाई Redmi की सीरीज में IP68 या 69 की रेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छा एडिशन रहेगा Redmi Note 14 सीरीज के अंदर। ये महीना भाई काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे फ़ोन्स निकल के आने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आप तक सारे अच्छे ऑनेस्ट रिव्यूज़ लेके आता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बात अगर करी जाए कि भाई प्रीमियम फोन्स की, जो 50,000-60,000 रुपये के आसपास निकल के आने वाले हैं, क्योंकि इस महीने में भाई दो लॉन्च हैं चिपसेट के। स्नैपड्रैगन का 8 जेन 4 का चिपसेट अनाउंस होने वाला है और डायमेंसिटी 9400 का चिप भी अनाउंस होने वाला है। तो जैसे ही ये दोनों चिप अनाउंस होंगे भाई, जो जो कंपनीज हैं वो भाई अनाउंस करने लग जाएंगे कि भैया ये हमारा पहला फ़ोन है स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 के साथ, 9400 के साथ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फोन्स निकल के आने वाले हैं। उनके बारे में बात करने से पहले अपना सब लोगों का फेवरेट सैमसंग गैलेक्सी S24 FE अक्टूबर के महीने में लॉन्च हो जाएगा। फोन काफ़ी तगड़ा निकल के आने वाला है। Exynos 2400E की चिपसेट रहेगी, गैलेक्सी AI फीचर्स आपको सारे देखने मिल जाएंगे, कैमरा भाई टॉप क्लास है, तो फोन काफ़ी बढ़िया निकल के आएगा। प्राइसिंग देखने वाली रहेगी क्या निकल के आती है। मैं कोशिश करूंगा आप तक अपना फर्स्ट वर्डिक्ट लेके आऊं जल्द से जल्द। आएगा तो मैं आई डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। एक्सपेक्टेड जो है इसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से वो 60,000 से 65,000 रुपए के आसपास रहेगी। अब चलते हैं भाई बात करते हैं फ्लैगशिप प्रीमियम कैटेगरी के जो फोन निकल के आने वाले हैं। कैमरा भाई अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है तो वीवो की जो X सीरीज़ है वो आने वाली है। X200 सीरीज लॉन्च हो जाएगी, डायमेंसिटी 9400 चिपसेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में डायमेंसिटी शायद ये अनाउंस करेगा और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वीवो की X200 सीरीज के जो 2-3 मॉडल्स होते हैं वो अनाउंस होकर आपको देखने मिल जाएंगे। 200 मेगापिक्सल तक का मेन उनका कैमरा रहेगा भाई। बाकी एंड्रॉयड 14 अप टू 12 GB ऑफ रैम, 512 GB स्टोरेज, 5000 से ऊपर की बैटरी भाई, 90 वॉट की चार्जिंग, ये सब चीजें आपको काफी तगड़ी मिल जाएंगी वीवो X200 सीरीज के अंदर। प्राइसिंग जो है भाई X200 सीरीज की 80,000 रुपए से एक्सपेक्टेड है मेरे को। बाकी देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है जब फोन लॉन्च होता है। इसके अलावा भाई स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 जिसपे बोल रहे हैं भाई 3 मिलियन का ऑन्टूटूस को निकल के आएगा, तो इमेजिन करो कि रॉ परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा तगड़ी निकल के आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं भाई 8 जेन 4 के साथ जो फोन आपको देखने मिल जाएगा, IQ13 भाई अनाउंस हो जाएगा। प्राइसिंग जो इसकी एक्सपेक्टेड है अराउंड 60,000 से 70,000 रुपए के बीच में एक्सपेक्टेड है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने मिलेगी। 16 GB तक रैम और 512 GB तक का स्टोरेज आप देख पाओगे। कैमरा भाई IQ ने खास तौर पे काफी इंप्रूव कर रहा है। अपनी IQ12 सीरीज, IQ Neo 9 Pro जो हमने टेस्ट करी थी उनमें कैमरा काफी तगड़ा निकल के आ रहा है, और एक्सपेक्टेड की भाई IQ13 में भी
काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिल जाएंगी कैमरा के डिपार्टमेंट में। इसके बाद Xiaomi का Xiaomi 15 भी एक्सपेक्टेड है अनाउंस होना इस महीने के अंदर। Snapdragon 8 Gen 4 के साथ आपको देखने मिल जाएगा ये फ़ोन भी। कॉम्पैक्ट फोन रहने वाला है, 6.3-6.4 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ मिल जाएगा, 16GB रैम, 512GB स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। प्राइसिंग इसकी भी एक्सपेक्टेड है 60,000-70,000 रुपए के बीच में होनी चाहिए। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि ये वाला फोन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद भाई बात करते हैं OnePlus का 13 भी निकल के आने वाला है, Snapdragon 8 Gen 4 के साथ आएगा। यहाँ पर रूमर चल रही है कि भाई OnePlus 13 में अप टू 24 गिग्स ऑफ रैम जाने का स्कोप है और 1 TB तक का स्टोरेज भी आपको शायद देखने को मिल सकता है। Android 15 के साथ ये वाला फोन आपको शायद देखने मिल जाएगा। 6.78 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने मिलेगी, 6000mAh की बैटरी एक्सपेक्टेड है, 100 वाट तक की चार्जिंग। प्राइसिंग जो है इसकी भाई वो 70,000-75,000 रुपये के आसपास आप मान के चलो, और लॉन्च ये भी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास मेरे को एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च होगा। इसके अलावा भाई Realme का GT7 Pro भी एक्सपेक्टेड है अनाउंस होना। सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वहाँ देखने मिलेंगी, Snapdragon 8 Gen 4 चिपसेट बढ़िया रहेगा वहाँ पर। एक्सपेक्टेड है कि भाई जो Apple में आपको एक्शन इंटेलिजेंस जो कैमरा एक्शन वाला बटन है वो यहाँ पर शायद देखने को मिल जाएगा GT7 Pro के अंदर। और Realme सीरीज का कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा इस फोन को देखना भी। आप कौन से फोन को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर भाई आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।